तो दोस्तों जियो ने फाइनली अपना जियो धन धनाधन ऑफर जो है निकाल दिया है और इस वीडियो में हम इस ऑफर के बारे में ही बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे जियो धन धनाधन ऑफर और समर सरप्राइज ऑफर और आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको ये भी बताएंगे कि आप ये रिचार्ज कहाँ से करवा सकते हैं और साथ ही साथ आपके बहुत सारे डाउट्स भी होंगे इसके बारे में, वो डाउट्स भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जुवानी, आप देख रहे हैं टेक जासूस। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जियो धन धनाधन ऑफर में कुछ इस तरह के प्लान्स हैं कि अगर आपने जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली है और उसके बाद कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है, यानी कि आपने सिर्फ जियो प्राइम मेंबरशिप ही ली है और कुछ रिचार्ज नहीं करवाया है, तो आप 309 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हैं और आपको मिलेगा उसमें 1 GB डेटा पर डे 3 महीने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 28 डेज को ये लोग 1 महीने के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि इनका 1 महीना 28 डेज का है, तो इन टोटल आपको 84 डेज के लिए जो है ये प्लान मिलेगा। और दूसरा प्लान जो है 509 रुपए का, ये भी है प्राइम मेंबर्स के लिए, जिसमें आपको मिलेगा 2 GB का डेटा हर दिन 3 महीने के लिए, यानी कि 84 डेज के लिए। और ये 309 और 509 का जो प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने ऑलरेडी प्राइम मेंबरशिप करवा ली है और उसके बाद जो है कुछ भी रिचार्ज नहीं करवाया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जियो नॉन प्राइम कस्टमर और नए कस्टमर्स के लिए, यानी कि जिन्होंने जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है या जियो प्राइम रिचार्ज नहीं करवाया है, या फिर नए कस्टमर्स जो जियो का सिम ले रहे हैं, अभी नया सिम ले रहे हैं, उन लोगों को 309 प्लस 99 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, यानी कि 408 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसमें उनको मिलेगा 1 GB डेटा पर डे 3 महीने के लिए। और दूसरा प्लान है जिसमें आपको 608 रुपीस का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेगा 2 GB डेटा पर डे 3 महीने के लिए। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं जियो नॉन प्राइम कस्टमर्स और नए सिम के कस्टमर के लिए ये अब कंपलसरी हो गया है कि वो जियो प्राइम मेंबरशिप ले लें, और जियो ने इनडायरेक्टली फोर्स कर लिया है जियो प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए। तो चलिए मैं इनके वेबसाइट पे भी दिखा देता हूं आपको, जहां पे मैंने रिचार्ज करने की कोशिश की थी और वहां पे मेरा एक सिम है जहां पे मैंने प्राइम मेंबरशिप नहीं करवाया था, वहां पे मुझे कितना दिखा रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों अगर आप आते हैं जियो की वेबसाइट पे और रिचार्ज नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पे आप डाल लीजिए अपना नंबर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने नंबर डाल दिया और रिचार्ज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये 309 रुपीस वाला प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे राइट साइड में लिखा है आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब फॉर जियो प्राइम मेंबरशिप, यहाँ पे टिक जो है वो टिक जा भी नहीं रहा है, टिक है ऑलरेडी, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप 99 का रिचार्ज भी करवाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 309 का दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 408 रुपीस पे करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 309 प्लस 99 इन्होंने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो धन धनाधन ऑफर इज लिमिटेड टू 1 रिचार्ज ओनली एंड नॉट अवेलेबल अलॉन्ग विद जियो समर सरप्राइज ऑफर, यानी कि अगर आपने जियो समर सरप्राइज ऑफर ऑलरेडी करवा दिया है तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। ये ऑफर उन लोगों के लिए है जिन्होंने जियो समर सरप्राइज ऑफर नहीं लिया है या जियो समर सरप्राइज जो है वो नहीं ले पाए थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इज लिमिटेड टू 1 रिचार्ज ओनली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रिचार्ज ओनली, यानी कि आप 309 रुपए का जो रिचार्ज है वो आप अगर पहली बार कराएंगे, यानी कि आपको 309 रुपए का जो फर्स्ट रिचार्ज होगा उसी पे ही आपको जियो धन धनाधन ऑफर मिलेगा, और जो फर्स्ट रिचार्ज होगा वो एक रिचार्ज के लिए ही 309 रुपए का मिलेगा। और अगर आपने दोबारा से 309 रुपए का रिचार्ज करवा लिया तो आपको ये धन धनाधन ऑफर का बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा ये वाला। तब आपको ये देख सकते हैं नीचे डिटेल्स, उसके नीचे आप देख सकते हैं ये 8 GB फॉर 28 डेज ये वाला बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप ये सेकंड टाइम रिचार्ज करवाएंगे तो। ऐसा नहीं है कि आप 309 रुपए का रिचार्ज करवा लिए, आपको 3 महीने तक ये ऑफर मिल गया, आप फिर से 309 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे तो आपको फिर से ये ऑफर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये भी एक चीज है कि अगर आपने जियो समर सरप्राइज ऑफर ले लिया है तो ये ऑफर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको जियो समर सरप्राइज ऑफर ही मिलेगा, आपको धन धनाधन ऑफर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक जियो समर सरप्राइज ऑफर नहीं करवाया है। और दोस्तों आप ये जो जियो धन धनाधन ऑफर है ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं ये बता देते हैं आपको। ये आप jio.com और MyJio ऐप से रिचार्ज करवा सकते हैं आज से ही। और दोस्तों 15 अप्रैल तक आप रिचार्ज करवाएं नहीं करवाएं कुछ भी करवाएं आपका सिम चलेगा ही चलेगा। और ये जो जियो धन धनाधन ऑफर है ये आपका स्टार्ट होगा 16 अप्रैल से, यानी कि 16 अप्रैल से आपको 84 डेज के लिए चलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम कंपेयर करते हैं जियो धन धनाधन ऑफर को और जियो समर सरप्राइज ऑफर को। तो जियो धन धनाधन ऑफर में आपको क्या करना पड़ता है, 309 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है और उसके लिए आपको जियो प्राइम मेंबर भी होना चाहिए। अगर आप जियो प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको 408 रुपीस का रिचार्ज करवाना पड़ेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि जियो प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ 309 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। और ये ऑफर आपको मिलेगा सिर्फ 84 डेज के लिए, यानी कि आप पे कर रहे हैं इन टोटल 309 प्लस 99 प्राइम का 408 रुपए 84 डेज के लिए। लेकिन समर सरप्राइज ऑफर में आप पे कर रहे थे 99 रुपीज जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए और 303 रुपए रिचार्ज के लिए, ताकि आपको जियो समर सरप्राइज ऑफर मिल पाए, तो आप टोटल पे कर रहे थे 402 रुपए, यानी कि जियो धन धना धन ऑफर से 8 रुपए कम। और उसमें आपको मिलता था टोटल 90 डेज प्लस 28, यानी कि आपको 118 दिन के लिए मिल रहा था वो ऑफर, इसमें मिलता है आपको 84 डेज के लिए। तो आपको टोटल 34 डेज के लिए कम मिलेगा ये ऑफर, और आपको टोटल 6 रुपए ज्यादा देने भी पड़ेंगे। तो जियो समर सरप्राइज ऑफर भी जो है वो भी एक बहुत बढ़िया ऑफर था, लेकिन ट्राई के वजह से जो है ये बंद करना पड़ा जियो को। तो चलिए अब जब बहुत सारे डाउट्स होंगे लोगों के वो क्लियर कर लेते हैं। तो लोगों का डाउट्स है कि उन्होंने जो है जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली है, लेकिन कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है अभी तक, 303 या कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली है 99 रुपीस दे के, लेकिन कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है, तो आप 309 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हैं या फिर 509 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हैं अपने नंबर पे, और ये ऑफर का बेनिफिट सब ले सकते हैं 3 महीने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं करवाई है, तो आप 408 रुपए दे के या 608 रुपए दे के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं 3 महीने के लिए। और दोस्तों, आपने जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं करवाया है लेकिन 303 का रिचार्ज करवा लिया है, तो क्या उसे समर सरप्राइज ऑफर मिलेगा या फिर ये जियो धन धना धन ऑफर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है लेकिन 303 या उससे ज्यादा का रिचार्ज करवा लिया है, तो आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑफर चाहिए, तो आपको ये जो जियो धन धना धन ऑफर है ये मिल सकता है, उसके लिए आपको 408 या 608 रुपए देके रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तो आपको जो है जियो धन धना धन ऑफर मिल जाएगा 3 महीने के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आपने जियो प्राइम मेंबरशिप ले लिया है और 303 रुपए का रिचार्ज करवा लिया है, तो क्या आप भी ये ऑफर जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ऑफर है ही नहीं, आपको जो है समर सरप्राइज ऑफर मिलने वाला है, वो भी बहुत बढ़िया ऑफर है, आप उसको आराम से इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों, एक डाउट ये भी आता है कि अगर आपने जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली और 149 या उससे कम वाला रिचार्ज करवाया है, तो क्या आपको समर सरप्राइज ऑफर मिलेगा या फिर ये जियो धन धना धन ऑफर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जो है जियो समर सरप्राइज ऑफर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जियो धन धना धन ऑफर जो है ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 309 रुपए या फिर 509 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा अपने जियो के नंबर पे, तो तब आप जियो धन धना धन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं 3 महीने के लिए। और जो 149 का रिचार्ज है, जो भी रिचार्ज 149 से कम वाला आपने करवाया होगा, वो आपका स्टार्ट होगा जियो धन धना धन ऑफर खत्म होने के बाद। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, कि ये जो जियो धन धना धन ऑफर है, ये आपका स्टार्ट होगा 16 अप्रैल से। तो 16 अप्रैल से आपको 3 महीने के लिए ये ऑफर मिलेगा, जो कि 84 डेज के लिए है। और उससे पहले 15 अप्रैल तक आपका जो है सिम है, आप रिचार्ज करवाए या ना करवाए, आपका सिम जो है चलेगा ही चलेगा। 15 अप्रैल तक फ्री में आप जो है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चला सकते हैं। और अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया है, तो आप फटाफट से जियो धन धना धन ऑफर करवा लीजिए। और अगर आप कोई भी रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो शायद आपका नंबर जो है बंद भी हो सकता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहता हूँ और सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्टली पहुंचाता रहता हूँ। और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक दबाइए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सब लोगों के साथ, ताकि उनके डाउट्स भी जो है क्लियर हो सके। और उन्होंने अगर अब तक समर सरप्राइज ऑफर नहीं लिया है, तो ये जियो धन धना धन ऑफर जो है उसको ले सके और इसका फायदा कम से कम उठा सके। अगर फिर भी आपके इसके बारे में कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो प्लीज दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से डाल दीजिए, मैं आपको उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।